सभी बच्चों को नमस्कार। हायर मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। ये एक श्रृंखला फिलहाल लेके हम चल रहे हैं, ठीक है। हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की बात कर रहे थे, तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन पे हमने बताया था कि भाई अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू जीरो के टर्म में है, तो ऐसा नहीं कि एग्जैक्ट ही होगी। डिफरेंशियल इक्वेशन में पहले तो आपके बहुत सारे और से मेथड से उन्हें देखना पड़ेगा आपको कि वेरिएबल आर सेपरेबल तो नहीं है, होमोजीनियस जिसमें वाई को वी एक्स मानते थे वो तो नहीं है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन तो नहीं है। जब सब हार जाएंगे तो आप इसमें डेल एम अपान डेल वाई करते थे और डेल एन अपान डेल एक्स करते थे, और अगर ये दोनों इक्वल हो जाते थे तो आप कहते थे ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। और उसका जो सोल्यूशन था उसमें क्या करते थे कि m को x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते थे, क्योंकि m के साथ dx आ भी रहा है, और इसमें y को हम यहाँ पर कांस्टेंट मानते थे, ठीक है, और n को y के रिस्पेक्ट में करते थे, और इसमें वो टर्म नहीं लेते थे जिसमें x होता है, लीविंग द टर्म्स विच आर हैविंग x, किसी भी तरीके से x हो वो हटा ही देते थे, मतलब प्योर y का जो टर्म होगा वही आप लेंगे, और एक कांस्टेंट लगा देते थे। तो ये हमने बताया एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन। वो वीडियो भी बना हुआ है और उसका डिस्क्रिप्शन लिंक भी दे देंगे, देख लीजिएगा। नहीं, कभी कभी क्या होता है फंक्शन एग्जैक्ट नहीं होता लेकिन उसको एग्जैक्ट करना पड़ता है, मतलब रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट। तो ये टॉपिक आपका रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट के फॉर्म में आ रहा है, ठीक है। तो रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट में हमारे पास पाँच मेथड करीब हैं। तो पांच मेथड में पहला मेथड हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, देख सकते हैं आप। आज हम बात करते हैं टाइप टू का, कैसे रिड्यूस करेंगे टाइप टू, मतलब कोई भी, इसमें एक वर्ड आता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इससे आप परिचित हैं। अब आप कहेंगे साहब कहाँ परिचय हुआ है, इंटर में परिचय हुआ था कि एक ऐसा फैक्टर जिससे किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देने पर वो डिफरेंशियल इक्वेशन इंटीग्रेट हो जाए, यानी वो फंक्शन, वो फैक्टर जो उसको इंटीग्रेट करने के लिए हेल्प करे वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है, ठीक है। यहाँ पर उसी इंटीग्रेटिंग फैक्टर को पहचानना है कि कौन से फैक्टर से मल्टीप्लाई करने के बाद फंक्शन इंटीग्रेट हो सकता है, उसको पहचानना पड़ेगा, है ना। तो देखिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, पहले मेथड बताता हूँ कि मान लेते हैं कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू जीरो, एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। मेरी राइटिंग बड़ी गंदी है इसलिए मैं जो लिख रहा हूँ वही बोल रहा हूँ, तो मान लीजिए जो बोल रहा हूँ वही मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें पहले तो आप क्या करेंगे, डेवर एम अपान डेवर एक्स लिखेंगे, वाई लिखेंगे, और डेवर एन अपान डेवर वाई लिखेंगे, और ये इक्वल नहीं आएगा। जब इक्वल नहीं आएगा तो आप कहेंगे दिस इज़ नॉट एग्जैक्ट, दिस इज़ नॉट एग्जैक्ट, ये एग्जैक्ट नहीं है। तो भाई एग्जैक्ट बनाया कैसे जाए, तो हमने कहा एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसको मल्टीप्लाई कर देने पर ये इंटीग्रेट हो सकता है वो सर्च करके आप लाइए, ठीक है। तो उसको लिए हम जरा इसका फॉर्मेट देखते हैं कि इसमें कैसे देख के अंदाज़ा लगा दें। तो अगर डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में हो, इफ़ डिफरेंशियल इक्वेशन किस फॉर्म में हो, देखो ध्यान से समझिएगा, एफ वन एक्स वाई एक्स कामा वाई यानी एक्स वाई का फंक्शन हो और इनटू में वाई लिखा हो और उसके साथ डी एक्स लिखा हो, प्लस फंक्शन एक्स वाई में कोई लिखा हो और इनटू में एक्स लिखा हो और डी वाई लिखा हो, अगर ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन हो, यानी एक ब्रैकेट में एक्स वाई के कुछ फंक्शन दिए हों और उस ब्रैकेट के बाहर इनटू में वाई लिखा हो और डी एक्स लिखा हो, एक ब्रैकेट में कुछ टर्म दिए हों एक्स वाई के, वो फंक्शन हो गया जाकर के, और ब्रैकेट के बाहर एक्स लिखा हो, केवल एक्स लिखा हो और उसके साथ डी वाई लिखा हो, तो इस वाले फंक्शन में जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम निकालते हैं, ये आपको याद रखना पड़ेगा और थोड़ा देख करके भी आइडिया लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है वो होता है वन अपान एम एक्स माइनस एन वाई, ये इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है वन अपान एम एक्स माइनस एन वाई। अब ये जो भी रिजल्ट आएगा उससे इस वाले इंटीग्रेटिंग फैक्टर से इसको मल्टीप्लाई कर दोगे, और मल्टीप्लाई करने के बाद ये मान लिया गया कि वो फंक्शन डिफरेंशियल
मतलब डिफ्रेंशिएट हो जाए, एग्जैक्ट हो गया, फिर चेक करोगे एग्जैक्ट है कि नहीं है। और एग्जैक्ट होने के लिए ये चीज़ इक्वल होनी चाहिए, और जब इक्वल हो जाएगी तो आपका जो एग्जैक्ट का सिस्टम होता है उसको लगा करके इसको सॉल्व कर लोगे। तो ये तो मेथड हो गया कि हम उस किसी फंक्शन को जो कि एग्जैक्ट नहीं है उसको एग्जैक्ट बनाने के लिए किस प्रकार से इंटीग्रेटिंग फैक्टर सर्च करेंगे। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल लेते हैं, इसको रब कर रहे हैं, इसको दिमाग में रखिएगा। ठीक है, चूँकि राइटिंग बड़ी गंदी है इसलिए हमको जगह ज़्यादा चाहिए, थोड़ा ऐसे लिखते हैं ना, उल्टा सीधा आ जाता है। मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, एग्जाम्पल है वन माइनस एक्स वाई इंटू वाई डी एक्स। कुछ दिख रहा है, x का फंक्शन है, बाहर y इंटू में है, डी एक्स के साथ है, और प्लस वन प्लस एक्स वाई इंटू एक्स डी वाई। कुछ दिखा? बोले हाँ दिख तो गया, लेकिन अभी नहीं, पहले आपको देखना पड़ेगा ना ये एग्जैक्ट है कि नहीं है। पहले तो आपको देखना पड़ेगा पिछले वाले मेथड्स वेरिएबल सेपरेबल वाले हैं जो इंटर लेवल से पढ़ते आ रहे हो, वो सब चेक करने पड़ेंगे। लेकिन ये एग्जैक्ट है कि नहीं है इसको पहले हम एम डी एक्स प्लस एन डी वाई से कंपेयर कर देते हैं। ये क्वेश्चन वन डाल देते हैं, कंपेयरिंग बाई एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू जीरो। कंपेयर करते वक्त m को निकालने के लिए पूरा ब्रैकेट खोल के लिखिएगा, अगर dx के साथ जो भी लिखा है पूरा m है, तो यहाँ m क्या हो जाएगा, इधर से लिखते हैं थोड़ी जगह मिल जाएगी हमको, m यहाँ पर क्या होगा y माइनस एक्स वाई स्क्वायर, और n यहाँ पर क्या होगा x प्लस एक्स स्क्वायर वाई। ये m और n की वैल्यू आ गई। अब आपको क्या करना पड़ेगा, m को y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा, मतलब डेल m अपान डेल वाई, कुछ लोग उसको डेवर लिखते हैं, कन्फ्यूज मत होइएगा। तो इसका क्या हो जाएगा वन, और देखिए चूंकि आप वाई के रेस्पेक्ट में जब डिफ्रेंशिएट करते हैं तो एक्स को कांस्टेंट मानते हैं, तो यानी एक्स तो कांस्टेंट हो गया, और वाई स्क्वायर का टू वाई हो जाएगा तो आएगा टू एक्स वाई। ठीक है, और जब डेवर एन अपान डेवर, इसको डेवर भी बोलते हैं, एक्स के रेस्पेक्ट करेंगे तो आएगा वन प्लस टू एक्स वाई आ जाएगा, है ना। अब आप क्या देख रहे हैं, दोनों इक्वल आ रहे हैं, तो आप लिखेंगे एज डेवर एम अपान डेवर वाई इज नॉट इक्वल टू डेवर एन अपान डेवर एक्स, सो इट इज़ नॉट एग्जैक्ट, इट इज़ नॉट एग्जैक्ट। ये तो मुझे मालूम हो गया कि भाई साहब एग्जैक्ट तो नहीं है। चलिए इतना हम पहुँच गए, अब ज़रा इसको पहचानिए। टाइप वन पहले आपको बताया गया, उसको चेक कर लीजिएगा। ये एक्स वाई का फंक्शन है और मल्टीप्लाई में वाई लिखा हुआ है, कुछ फॉर्मेट नज़र आ रहा है, एक्स वाई का फंक्शन इंटू वाई डी एक्स के साथ, एक्स वाई का फंक्शन इंटू एक्स डी वाई के साथ। तो इसका मतलब ये दूसरे टाइप वाला डिफरेंशियल इक्वेशन दिख रहा है आपको, तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, वन अपान एम एक्स माइनस एन वाई, यानी कि एम जो है उसको एक्स से मल्टीप्लाई कर दो और एन को वाई से मल्टीप्लाई कर दो और इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आएगा वन अपान एम, बोले तो ऐसा कर दिए ध्यान से, ये वन माइनस एक्स वाई है और चूंकि ऑलरेडी बाहर y है और आप x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा एक्स वाई माइनस एन, क्या है वन प्लस एक्स वाई, और बाहर x है और y से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये हो जाएगा एक्स वाई। जब ब्रैकेट को खोल दो और माइनस को ओपन कर दो, ठीक, मैथमेटिकल कैलकुलेशन में गलती नहीं होनी चाहिए, तो क्या आएगा एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ई भाई साहब गए कैंसिल हुई, आ गया वन अपान माइनस टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। आपने सोचा प्योर हिंदी बोल रहे हैं, देहाती बोल लेता हूं मैं, हर तरीके से भाषा में आती है, ठीक है। खैर, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया, मतलब क्या हुआ कि अगर मैं इस फंक्शन से इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये एग्जैक्ट बन जाएगा। तो कर देता हूँ मल्टीप्लाइंग इक्वेशन वन बाई माइनस वन अपान टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मतलब ही होता है एक ऐसा फैक्टर जिससे मल्टीप्लाई करने पर फंक्शन इंटीग्रेबल हो जाए, इंटीग्रल लायक हो जाए, वो नालायक होता है वो लायक हो जाए। अब मैं इसे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, गलती साइन के नहीं होनी चाहिए, देखो ये आएगा माइनस का वन अपान टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, अंदर क्या बचेगा वन माइनस एक्स वाई, और उसके बाहर क्या है वाई डी एक्स,
प्लस, इसमें मल्टीप्लाई किससे किया, माइनस ही लगा दो, माइनस वन अपान टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, अंदर क्या है वन प्लस एक्स वाई इंटू एक्स डी वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। अब ये एग्जैक्ट होगा नहीं होगा इसको चेक करना पड़ेगा, जब मेरी राइटिंग गंदी है टेढ़ा मेढ़ा लिखता हूँ उसके लिए सॉरी, बताता अच्छा हूँ ये मैं जानता हूँ। देखो ये इस वाई से ये एक वाई कैंसिल हो गया, इस एक्स से ये एक्स कैंसिल हो गया, और ये टू है ना, टू और माइनस ये उधर जाके जीरो हो जाएंगे। तो यहाँ तक नोट करिए, फिर अगले स्टेप की बात करें। देखिए हमने क्या किया, यहाँ से माइनस वन पॉइंट टू कॉमन ले लिया, ठीक है, और जो बचा हुआ है वो अंदर रख दिया। अब इसको अलग अलग कर दो, अच्छा ये जो माइनस वन पॉइंट टू है ना ये उधर जाके जीरो हो जाएगा, काम खत्म। इसको अलग अलग कर दो, वन अपान एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई अपान एक्स स्क्वायर वाई, ये तो डी एक्स के साथ हो गया, प्लस वन अपान एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई अपान एक्स वाई स्क्वायर, और उसके साथ डी वाई इक्वल टू ज़ीरो हो गया। ठीक है, ज़रा इसको चेक करते हैं हम कि किस प्रकार का फंक्शन ये दिख रहा है हमको। देखिए इसको थोड़ा कैलकुलेट कर लीजिए, वन अपान एक्स स्क्वायर वाई माइनस, यहाँ एक्स और वाई कट जाएगा तो वन अपान एक्स बचेगा, किसके साथ डी एक्स के साथ, प्लस यहाँ वन अपान एक्स वाई स्क्वायर प्लस यहाँ से एक्स कट जाएगा, वन अपान वाई बचेगा डी वाई के साथ। इसको फिर देखो ये एग्जैक्ट आ रही नहीं, आ रहा नहीं आ रहा है, कंपेयरिंग बाई अब एम लिखो चाहे एम डैश लिख दो, एम डैश डी एक्स प्लस एन डैश डी वाई इज इक्वल टू जीरो, ये वही एम एन है। लेकिन अब एक ही क्लास में दो लड़कों का नाम रोहित थोड़ी हो सकता है, रोहित वन रोहित टू भी हो सकता है। तो यहाँ से एम डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी, वन अपान एक्स स्क्वायर वाई माइनस वन अपान एक्स, और एन डैश की वैल्यू क्या है, वन अपान एक्स वाई स्क्वायर प्लस वन अपान वाई। अब इसको पार्शियल डिफ्रेंसिएशन करिए किसके रेस्पेक्ट में, वाई के रेस्पेक्ट में, तो ये इसमें करेंगे डेवर एम डैश अपान डेवर वाई, इसको डेल भी लोग पढ़ते हैं, कन्फ्यूज ना होइएगा। देखो वाई के रेस्पेक्ट में करोगे तो वन अपान एक्स स्क्वायर तो कांस्टेंट है, आएगा डेल अपान डेल वाई या वाई इनवर्स, और इसका जीरो हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इसकी वैल्यू क्या आएगी, माइनस वन वाई टू और माइनस वन माइनस टू, तो माइनस वन अपान एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, इसको एक्स के रेस्पेक्ट में करो, डेवर एन डैश अपान डेवर एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में करो कितना आएगा, वाई विल ट्रीट एज ए कांस्टेंट, तो वन अपान वाई स्क्वायर बाहर हो गया, और डेवर अपान डेवर एक्स ऑफ एक्स इनवर्स, और वाई का जीरो आएगा तो माइनस वन अपान एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब देखो भाई साहब दोनों इक्वल आ रहे नहीं आ रहे, तो आप क्या लिखेंगे, एज डेवर एम डैश अपान डेवर एक्स डेवर वाई इज इक्वल टू डेवर एन डैश अपान डेवर वाई, सो डेवर एक्स सॉरी डेवर एक्स, सो इट इज़ एग्जैक्ट। अब ये इस फंक्शन से मल्टीप्लाई करने के बाद एग्जैक्ट हो गया, यानी वो आपका क्या है पर्टिकुलर दैट इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो अब इसका सोल्यूशन कैसे निकाला जाए, सोल्यूशन निकालते हैं, इट्स सोल्यूशन नोट कर लीजिएगा इसको, एम डैश जरूरत पड़ेगी इसलिए एम डैश को रब नहीं करते हैं। सोल्यूशन का तरीका क्या होता है, इसका जो सोल्यूशन निकलेगा वो क्या होता है, फॉर्मूला इंटीग्रल एम डैश डी एक्स टेकिंग वाई एज ए कांस्टेंट, टेकिंग वाई कांस्टेंट प्लस इंटीग्रल एन डैश डी वाई लीविंग द टर्म कंटेनिंग एक्स, लीविंग टर्म कंटेनिंग एक्स, यानी वो टर्म जो है छोड़ देते हैं जिनमें ये थोड़ा आधा आधा लिखा जा रहा है, समझ लीजिएगा हम बोल पूरा रहे हैं, और इज इक्वल टू कांस्टेंट इंटीग्रल एम डैश की वैल्यू क्या है, ये है वन अपान एक्स स्क्वायर वाई माइनस वन अपान एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रल। अब आप कह रहे हैं कि एन डैश में एक्स का टर्म नहीं लिखना है, तो ये वाला टर्म पूरा गायब हो जाएगा, केवल बचेगा वन अपान वाई डी वाई इज इक्वल टू सी। अब बस इसको इंटीग्रेट कर दिए और आप बिल्कुल बिल्कुल आंसर के मुहाने पे आ गए। तो दिस इज़ द टाइप टू रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट, टाइप टू दूसरा मेथड है। अब इसको एक्स के रेस्पेक्ट में करोगे, देखिए क्या होगा, ये वन अपान वाई तो कॉन्स्टेंट हो गया, इसका जो एक्स के रेस्पेक्ट में करो कितना आएगा, एक्स पावर माइनस टू प्लस वन अपान माइनस टू प्लस वन, और माइनस वन अपान एक्स कितना हो जाएगा, लॉग एक्स, इसमें वन अपान वाई कितना होगा, लॉग वाई, और कांस्टेंट सी हो गया। तो इसको थोड़ा कैलकुलेट कर दो, माइनस वन अपान एक्स वाई माइनस लॉग एक्स माइनस
प्लस लॉग वाई इज इक्वल टू सी, तो दिस योर आंसर। आप थोड़ा फॉर्मेट इसका चेंज भी कर सकते हैं और यहीं पर इसको स्टॉप कर सकते हैं। जरा एक बार आंसर चेक कर लेते हैं कि आंसर आ रहा नहीं आ रहा। माइनस वन अपॉन एक्स वाई माइनस लॉग एक्स, वाह वेरी गुड, आई एम वेरी गुड, ओके गुड लिखे दे रहे, अपने लिए गुड लिखा जा सकता कभी कभी, गुड ठीक। तो ये कर लीजिएगा, नेक्स्ट मेथड इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।